हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनी क्लासेस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू टेंसेस वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम टेंसेस सीखने वाले हैं, टेंसेस की वर्कशीट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ब्स इन द करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म। हमें करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म दी गई है एंड हमें चूज करके फिल करनी है। नंबर वन, द बेल। बेल क्या होती है? रिंग होती है। द बेल रिंग्स एट 8 AM। बेल 8 AM में रिंग होती है। द टीचर डैश द डोर। डोर को ओपन करेगा टीचर, तो द टीचर ओपन्स द डोर। टीचर डोर को खोलता है। आई डैश इन द सेकेंड रो। I sit होगा, I के साथ S नहीं लगता है, तो I sit in the second row। मैं second row में बैठता हूँ। Seema sits next to me। Seema मेरे next बैठती है। तो जो singular होते हैं present tense में, जो singular nouns होते हैं उनके साथ एस और ईएस लगता है एंड प्लूरल के साथ में नहीं लगता है। ही सी इट के साथ में एस और ईएस का यूज होगा। आई वी यू दे के साथ नहीं होगा। वी डैश आर इंग्लिश बुक्स। तो वी यहाँ पर प्लूरल है, तो क्या होगा? वी डैश आर इंग्लिश बुक। हम इंग्लिश बुक क्या करते हैं? रीड करते हैं। यहाँ पे वी रीड आर इंग्लिश बुक। द टीचर डैश द लेसन। टीचर लेसन को क्या करता है? तो यहाँ पर रीड नहीं होगा, वी के साथ वी ओपन होगा। वी ओपन, ओपन यहाँ ऑप्शन दिया गया है। वी ओपन आर इंग्लिश बुक। हम अपनी इंग्लिश बुक ओपन करते हैं। अवर टीचर रीड्स। हमारे टीचर बुक रीड करता है। और टीचर रीड्स द लेसन। हमारा टीचर लेसन रीड करता है। आई डैश माई हैंड टू आंसर अ क्वेश्चन। तो आई रेज, मैं हाथ ऊपर उठाता हूँ मेरे आंसर का क्वेश्चन देने के लिए। तो यहाँ पे हमने फिल किए प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एंड जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, उनमें एस और ई एस एड होता है एंड प्लूरल में एस और ई एस एड नहीं होएगा। वर्ब में, सिंगुलर नाउन में वर्ब के साथ एस और ई एस एड होगा एंड प्लूरल में यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए द बेल, यहाँ पे बेल सिंगुलर नाउन है तो वर्ब में एस एड हुआ है, रिंग्स। एंड द टीचर ओपन्स, क्योंकि टीचर भी सिंगुलर नाउन है तो वर्ब में एस यूज हुआ है एंड आई के साथ में नहीं यूज होता है, वी के साथ में नहीं यूज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट टेंस। तो हमें ये पिक्चर देख के कंप्लीट करने हैं सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में। वी डैश इन क्लास सेकेंड। तो यहाँ पे वी स्टडी इन क्लास सेकेंड, हम क्लास सेकेंड में पढ़ते हैं। सी आर डैश इन द स्विमिंग पूल एट द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवरी डे। तो सिया क्या करती है एवरी डे? स्विमिंग पूल में स्विमिंग करती है। तो सिया स्विम्स। सिया सिंगुलर नाउन है तो वर्ब में एस का एड होगा। रजत डैश नीट डी। तो रजत यहाँ पे क्या कर रहा है? यू कैन सी इन द पिक्चर, रजत इज राइटिंग, लिख रहा है। तो रजत राइट्स नीटली। रजत नीटली लिखता है। द सन क्या करता है स्काई में? शाइन। द सन शाइन्स इन द स्काई। सन स्काई में शाइन करता है। वी मस्ट डैश अ टीथ ट्वाइस अ डे। तो हमें क्या करने चाहिए? वी मस्ट ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें दिन में दो बार अपने टीथ ब्रश करने चाहिए। तो हमने यहाँ पे फिल किए वर्ब कौन की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हमने फॉर्म किए। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? जो कि बीत चुका है, भूतकाल, जो
काम हम कर चुके हैं, जो काम हमने कर दिया है पहले, तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। सी द एग्जांपल्स, रोमा प्लेड टेनिस लास्ट फ्राइडे। तो रोमा ने टेनिस खेला कब? लास्ट फ्राइडे, पहले वो खेल चुकी है, लास्ट फ्राइडे काम हो चुका है, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। यस्टरडे आई बॉट न्यू क्लोथ, कल मैं नए कपड़े लाया, तो कल वो ला गया नए कपड़े, तो पास्ट टेंस है। वी एट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, कर चुके हैं पहले, वो ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, तो ये पास्ट टेंस है, जो काम हम कर चुके हैं पास्ट टेंस में। के सेंटेंसेस में क्या होता है? जो काम हम पहले कर चुके हैं, तो वो क्या होते हैं? पास्ट टेंस के सेंटेंसेस। द वर्ब्स प्लेड, बॉट एंड एट टेल अस अबाउट एक्शन दैट हैपेंड सम टाइम इन द पास्ट। तो ये वर्ड प्लेड, बॉट, एट हमें बता रहे हैं एक एक्शन के बारे में जो कि पास्ट में हो गया है, तो ये क्या है? पास्ट टेंस है। टू मेक द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मोस्ट वर्ब वी एड डी और ईडी, बहुत सारी वर्ब में हम पास्ट टेंस बनाने के लिए डी एड करते हैं या ईडी एड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेज, रेज्ड, डी एड क्या है? ट्विंकल, ट्विंकल्ड। वॉस, ईडी एड क्या है? वॉस्ड। लुक, लुक्ड। नाउ राइट द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो। तो हमें ये वर्ब दी गई हैं, इनकी हमें क्या बनानी है? पास्ट टेंस फॉर्म बनानी है। कॉल, कॉल्ड, हम ईडी एड करेंगे। कुक, कुक्ड, ईडी एड होगा। लव, लव्ड, डी एड होगा। हेल्प, हेल्प्ड, ईडी एड होगा। वॉक, वॉक्ड, ईडी एड होगा। ओपन, ओपन्ड, ईडी एड होगा। फिनिश, फिनिश्ड, ईडी एड होगा। बाक, बाक्ड, टाइप, टाइप्ड। तो फ्रेंड्स, आज की अपनी वर्कशीट में हमने सीखा टेंसेस, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।